हेलो दोस्तों, माय नेम इज सरिता यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोइंग इंडिया। दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गोवा टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी और साथ ही साथ इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो अक्सर लोगों की उलझन का कारण बनते हैं। जैसे गोवा को कंप्लीट एक्सप्लोर करने के लिए आपका गोवा टूर कितने दिन का होना चाहिए, आपने होटल की लोकेशन कैसे सिलेक्ट करें, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा कहाँ विजिट करना चाहते हैं और कौन से पार्ट से विजिट करना आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, गोवा तक कैसे पहुँचे और गोवा का कौन सा रेलवे स्टेशन आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, गोवा की नाइट लाइफ को कैसे इंजॉय करें और गोवा की नाइट लाइफ को इंजॉय करने के लिए वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, नॉर्थ गोवा के साइट्स और बीचेस के बारे में बताऊंगी और साउथ गोवा के साइट्स और बीचेस के बारे में भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, गोवा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा। अब बहुत सारे लोग तो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम नॉर्थ गोवा से स्टार्ट करें कि साउथ गोवा से स्टार्ट करें और कितने दिन का प्लान करें कि हम गोवा को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकें, तो इसका कन्फ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। दोस्तों, नॉर्थ गोवा को कम्प्लीट एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1.5 डेज का समय लगेगा। इसी तरह से गोवा को साउथ गोवा को घूमने के लिए आपको 1 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, नॉर्थ गोवा है वो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, वहाँ की बीचेज बहुत ही क्राउडेड है, वहाँ की नाइट लाइफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वहाँ पे लगेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंजॉय वहाँ पे कर पाओगे। इसके अपोजिट साउथ गोवा है, वहाँ के बीचेज कम क्राउडेड वाले और वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी आपको देखने को मिलेगा और आपको वहाँ पे शांति जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोगों की पहली पसंद नॉर्थ गोवा होती है क्योंकि गोवा में लोग इंजॉय करने तो जाते हैं और जो एंजॉयमेंट वाला जो एनवायरनमेंट है वो आपको नॉर्थ गोवा में ही मिलेगा। बट अगर आप अपना ट्रिप कहीं से भी स्टार्ट करें, नॉर्थ गोवा से करें या साउथ गोवा से करें, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नॉर्थ गोवा से स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कंप्लीट 1.5 डेज लगेगा, इसी तरह से साउथ गोवा को घूमने के लिए पूरा 1 दिन का समय लगेगा। पर दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने आए हैं तो गोवा से कुछ ही दूरी पर एक दूध सागर वाटरफॉल है, अगर आप वहाँ पे नहीं गए तो यकीन मानिए आपका गोवा का टूर इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। दोस्तों, दूध सागर वाटरफॉल पे मैंने कम्प्लीट वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पर जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से गोवा को कम्प्लीट एक्सप्लोर करने के लिए जिसमें आपको 4 डेज का समय लगेगा, जिसमें दूध सागर वाटरफॉल भी इंक्लूडेड है और दूध सागर वाटरफॉल को घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गोवा में होटल की लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें और अच्छे होटल कम प्राइस पर कैसे बुक करें। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ गोवा में पहले घूम रहे हैं तो आप नॉर्थ गोवा अपने होटल बुक करें, अगर साउथ गोवा में पहले घूमना चाहते हैं तो साउथ गोवा में अपने होटल बुक करें। और नॉर्थ गोवा के जो होटल हैं वो साउथ गोवा के कंपेरिजन में थोड़े से एक्सपेंसिव है पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल लोग वहाँ पे नॉर्थ गोवा में ही रुकना चाहते हैं, वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, अपने होटल बुक करते हैं क्योंकि नॉर्थ गोवा की लाइफ लोगों को ज़्यादा चीयरफुल लगती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लोग दिन में बीचेस पे घूमते हैं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं और रात में लोग वहाँ पे नाइट लाइफ को इंजॉय करते हैं जो आपको चीयरफुल कर देगी, आपको जोश और उत्साह से भर देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था नॉर्थ गोवा की नाइट लाइफ को इंजॉय करके। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, अब नॉर्थ गोवा में होटल की लोकेशन की बात करें तो आप वहाँ पे बागा बीच और कलंगिट बीच के आसपास ही मोस्ट ऑफ ऑल लोग वहाँ पे अपने होटल बुक करते हैं। दोस्तों, अगर आप बीचेस के पास अपने होटल और विला बुक करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप बीच से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अपना होटल और विला बुक कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा रिजनेबल हो सकता है, आपको कम प्राइस पर अच्छे होटल और विला मिल जाएंगे। वैसे मैं सच बताऊं, वहाँ पे जो दूरी है ना बीच की और बीच और आपके होटल की, वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है
क्योंकि गोवा में आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, तो वहाँ पे आप एक स्कूटी रेंट पे ले लीजिए और जब आपका मन करे तब आप अपने होटल आ जाइए और जब आपका मन करे तब आप बीच पे चले जाइए। और 3 से 4 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, और सही बताऊँ ये 3 से 4 किलोमीटर जब आप स्कूटी पे जाते हो ना बीच पे, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ के कहते रोड पे घूमते हुए गोवा में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा डिस्टेंस से तो बीच से थोड़ी सी 2-3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अपना होटल बुक कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गोवा की नाइट लाइफ को कैसे इंजॉय करें और वहाँ पर नाइट लाइफ को इंजॉय करने के लिए आपके पास क्या क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप गोवा आए हैं और आपने वहाँ की नाइट लाइफ को इंजॉय नहीं किया तो समझो आपने कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं किया। गोवा के टूर का बेस्ट पार्ट है यहाँ की नाइट लाइफ। दोस्तों इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। एक तो आप नॉर्थ गोवा में टीटो लेन पर मौजूद बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप डीजे म्यूजिक वाइन और सी फूड को इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ की एंट्री फीस है पर पर्सन आपको 2000 पे करना पड़ेगा, और अगर आप एज ए कपल जा रहे हैं तो आप 1500 रुपीज़ में आप एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ दिन रात भर आप पार्टी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव है। दोस्तों दूसरा है इसमें बागा बीच और कलंगिट बीच पर आप खुले आसमान के नीचे समुंदर किनारे पर बैठ के आप डीजे म्यूजिक वाइन और सी फूड को इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारा म्यूजिक चलता रहता है जिस पर आप डांस करते हैं, वो भी एक ओपन एरिया में, और इसकी बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर आपकी कोई एंट्री फीस भी नहीं है। ये भी एक बहुत ही अच्छा और शानदार अनुभव है। अगर आपका गोवा ट्रिप 2 से 3 दिन का है तो एक दिन आप क्लब्स जा सकते हैं और दूसरे दिन आप खुले आसमान के नीचे समुंदर किनारे बीचेस पार्टी भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप साउथ गोवा में हैं तो साउथ गोवा में भी आपको बेस्ट क्लब मिल जाएंगे जहां पर आप जाके नाइट पार्टीज इंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे फेमस क्रूज कैसिनो भी हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और नाइट लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। बट बेस्ट जो नाइट लाइफ का जो इंजॉयमेंट है वो आप नॉर्थ गोवा में ले तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि गोवा तक कैसे पहुँचें और गोवा का कौन सा रेलवे स्टेशन आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट रहेगा। दोस्तों गोवा पहुँचने का जो बेस्ट टाइम है या वहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से लेके नवंबर तक का है। वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, ये जो मंथ होते हैं ये बेस्ट होते हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए। गोवा बाई रोड वेल कनेक्टेड है, आप पर्सनल व्हीकल से भी गोवा तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप बाई एयर वहाँ पे जा रहे हैं तो गोवा का नियरेस्ट एयरपोर्ट है डॉबलिन एयरपोर्ट या गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नॉर्थ गोवा से 30 किलोमीटर दूर है, और पंजिम से वो सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है, बट और वास्को डी गामा से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पे दोस्तों अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो गोवा के 3 रेलवे स्टेशन हैं, मडगाम, थिविम और वास्को डी गामा। यदि आपने अपना होटल नॉर्थ गोवा में बुक किया है तो आपके लिए थिविम या वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और अगर आपने अपना होटल साउथ गोवा में बुक किया है तो मडगांव रेलवे स्टेशन आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। दोस्तों फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर अपना गोवा ट्रिप प्लान कर लिया है तो आप नॉर्थ गोवा से स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ गोवा के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के फेमस बीच और साइट्स के बारे में जहाँ पर जाकर आपको विजिट करना ही चाहिए। दोस्तों गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, और अगर आपका ट्रिप 2 से 3 दिन का है तो हर बीच को कवर करना आपके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी विजिट लिस्ट में कुछ फेमस बीचेस और साइट्स को रखें ताकि आप गोवा में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, वहाँ पर जाके इंजॉय कर सकें। नहीं तो आप हर बीच को कवर करने के चक्कर में आप बीचेस पे चक्कर लगाते ही रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो नॉर्थ गोवा के कुछ फेमस बीचेस और साइट कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों बाघा बीच और कलंगिट बीच, ये नॉर्थ गोवा के मोस्ट फेमस बीचेस में से एक हैं जहाँ पर आप जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। जो ये कलंगिट बीच है इसको क्वीन ऑफ द बीचेस भी कहा जाता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट
बीच है, बागा बीच भी इसी कलंगिट बीच का ही एक्सटेंशन है। दोस्तों यहाँ पर दिन में आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, रात में यहाँ के नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ इस तरह से हैं, जैसे आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, वाटर सर्फिंग कर सकते हैं, बनाना राइड्स कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप जेट स्की को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बीच की, जिसका नाम है अंजुना बीच। ये भी नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच है। यहाँ पर आपको क्राउड थोड़ा कम मिलेगा कंपेरिजन टू बागा बीच और क्लंगिट बीच। यहाँ पर जाकर भी आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ पे आप बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बीच है हमारा मॉर्जिम बीच, एक बहुत ही शांत बीच है जहाँ पर जाकर आप गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों इसको टर्टल बीच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टर्टल की नेस्टिंग हैबिटेट भी देखने को मिल सकते हैं, और आपको टर्टल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट बीच है अरम्बोल बीच। दोस्तों अरम्बोल बीच एक बहुत ही रॉकी और सैंडी बीच है। ये बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत बीच है। ये नॉर्थ, ये जो गोवा है उसके बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। एक तरफ इसके फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ अरेबियन सी लगता है। तो नेक्स्ट बीच है सिंकोवरिम बीच और सिंकोवरिम फोर्ट। दोस्तों सिंकोवरिम जो फोर्ट है वो सिंकोवरिम बीच पर ही स्थित है। ये एक छोटा सा फोर्ट है जो 1612 में बनाया गया था। दोस्तों ये अपनी फोटोग्राफी और सनसेट के लिए काफ़ी फेमस बीच है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट साइट, वो है अगोड़ा फोर्ट। दोस्तों अगोड़ा फोर्ट 1612 में बनाया गया था। ये पुर्तगालियों ने बनाया था। अगोवा का मतलब होता है वाटर, इसीलिए इसका नाम अगोड़ा पड़ा है। और यहाँ पर एक फ्रेश वाटर सोर्सेस भी है, इसलिए इसको अगोड़ा फोर्ट भी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर अगोड़ा फोर्ट के एक हिस्से में एक अगोड़ा जेल भी है। तो नेक्स्ट है चपोरा फोर्ट, जो 1717 में बनाया गया था। पुर्तगालियों ने इसको बनाया था। यहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी हुई थी, इसलिए इसे दिल चाहता फोर्ट भी कहते हैं। ये वेगटोर बीच पर स्थित है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं साउथ गोवा के फेमस बीचेज और साइट्स के बारे में। तो यहाँ की जो मोस्ट फेमस बीच है वो है पालोलेम बीच और कोलवा बीच। दोस्तों ये दोनों ही यहाँ के मोस्ट फेमस बीचेज हैं। जो पालोलेम बीच है वो अपनी वाइट रेत के लिए पॉपुलर है, मतलब यहाँ पे सफ़ेद वाइट रेत मिलती है आपको बीच पर, और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। इसी तरह से कोलवा बीच उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं। साउथ गोवा का नेक्स्ट बीच है दोस्तों बिनाओलेम बीच। ये बहुत ही शांत बीच है। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर रात को आप नाइट लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन पॉइंट। इसको हम कोको बीच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कोको की प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ बोट्स आपको मिलेंगी जो आपको समुंदर के बहुत अंदर तक लेके जाएंगी, जहाँ पर आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी। ये भी एक बहुत ही शानदार अनुभव है। साउथ गोवा में बीचेज के साथ साथ वहाँ पे पुराने पुराने चर्चेज भी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये एक बहुत ही पुराना चर्च है, सबसे पुराना चर्च है। ये 15th century में बनाया गया था। यहाँ पर ईसा मसीह के जन्मदिन पर जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ की जो वास्तुकला है वो अद्भुत है, देखने लायक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सनसेट क्रूज इन गोवा। दोस्तों यहाँ पर आप मंडोवी रिवर पर जाकर वहाँ पर क्रूज़ का आनंद ले सकते हैं। ये जो राइड है वो आपकी 1.5 hours की रहेगी। यहाँ पर पर पर्सन जो टिकट है वो आपकी 500 से 700 rupees रहेगी, और यहाँ पर आप बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डांस भी करने को मिलेगा, तो आप खूब सारा डांस करके इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों साउथ गोवा में एक बहुत ही फेमस जगह है, वो है नाइट कैसिनो। यहाँ पर आप नाइट कैसिनो जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके खेल सकते हैं और नाइट लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के जो फेमस जो कैसिनो हो कुछ इस तरह से हैं, डेल्टिन रॉयल कैसिनो कार्निवल, बिग डैडी कैसिनो, मैजेस्टिक प्राइड कैसिनो, कैसिनो पैराडाइज एक्सेट्रा, बहुत सारे कैसिनो यहाँ पे मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर कैसिनो में जाके इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों साउथ गोवा की फेमस जगह है दूध सागर वाटरफॉल। अगर आप साउथ गोवा तक पहुंच गए हैं तो दूध सागर वाटरफॉल जाना बिल्कुल भी नहीं भूले। दूध सागर पे मैंने भी पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दे दूंगी।
तो फ्रेंड्स, ये तो थी गोवा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी वाली वीडियो, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू, बाय बाय।